आज इंडियन बैंक ड्राइविंग थ्रीडी गेम में आ चुका है जायंट चिकन जो कि फ्रैंकलिन को मारना चाहता है और वो चिकन इस बड़े से अंडे के अंदर से बाहर आया है। आइए जानते हैं कि इसे आज फ्रैंकलिन कैसे मारेगा। तो गाइस यार मैंने गांव में एक मुर्गी खरीद कर रखी है तो उसे आज देखने के लिए जाता हूं कि उसने कोई अंडा वगैरह दिया है कि नहीं, क्योंकि गाइस आज मैं सोच रहा हूं कि बहुत सारा मुर्गी खरीदूंगा और गाइस उसका पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा और भाई उनको बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। तो चलो यार फटाफट अपने गाँव चलते हैं और देखते कि वहां पर मेरी मुर्गी ने एक भी अंडा दिया है कि नहीं। अगर गाइज अंडा दिया होगा तो भाई मजा ही आ जाएगा। गाइज उस अंडे से हम लोग चूजे निकालेंगे और भाई उनको ढेर बेच के ढेर सारा पैसा कमाएंगे। तो भाई सब यहीं पर मैंने एक फार्म बनाया था, एक मिनट थोड़ी से आगे बनाया था। चलो चलते हैं गाइज, देखते हैं कहाँ पे है। अबे यार गाइज इतना बड़ा अंडा, गाइज यार इस मुर्गी ने इतना बड़ा अंडा कैसे दिया भाई। मैंने इस मुर्गी को जुरासिक पार्क से पकड़ कर लाया था क्योंकि भाई वहां पर इसे डायनासोर वगैरह दौड़ा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार इसे पकड़ कर रख लेता हूं अपनी फार्म पे। और भाई ये इतना बड़ा अंडा दे दी है इस मुर्गी ने। गाइस यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा अंडा इसने कैसे दिया। वैसे गाइस मुझे लगता है कि इसके अंदर से बहुत बड़ा चूजा निकलने वाला है, तो भाई हो सकते हैं कि बहुत बड़ा चूजा निकले तो भाई वो विदेश में बिके जिसे मैं बहुत ज्यादा दामों में बेचूंगा। तो भाई मैं काम करता हूँ, न्यूज वालों को इसकी रिपोर्ट दे देता हूँ कि इतना बड़ा अंडा मेरी मुर्गी ने दिया है। तो गाइस चलो फटाफट घर चलते हैं भाई। चलो यार गाइस फटाफट घर चलकर घर के टेलीफोन से फोन लगाता हूँ न्यूज वालों को और बताता हूँ कि मेरी मुर्गी ने बहुत बड़ी अंडी दी है, अंडा दिया है। सॉरी भाई मेरे मुंह से जो मन सो निकल जाता है। चलो यार फोन करता हूँ न्यूज वालों को। न्यूज वालों का खबर सुनकर विदेश से अपने ही लोग आने लगेंगे और भाई खरीद लेंगे इसे। चलो फटाफट फोन करता हूँ गाइस। चलो यार फाइनली फोन तो कर दिया गाइज। अब देखता हूँ कि न्यूज वाले कब तक आएंगे। अरे एक मिनट, ये मेरे घर के बाहर आवाज कैसी आ रही है भाई? ये तो किसी मुर्गी की आवाज आ रही है। एक मिनट भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरा मुर्गी तो भाई वहीं पे है। एक मिनट यहाँ तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, देखता हूँ थोड़े और आगे जाकर। चलो भाई आगे चलते थोड़ा सा। अबे यार गाइज इतना बड़ा मुर्गा, अबे यार ये हमारे शहर में कैसे आया? जल्दी भागो भाई, जल्दी भागो घर के अंदर। भाई वो मेरे पीछे ही आता होगा, जल्दी घर के अंदर चलो। भाई साहब इतना बड़ा मुर्गा हमारे शहर में कैसे आ गया? एक मिनट कहीं वो बड़े से अंडे के अंदर से तो बाहर नहीं निकला भाई। अबे यार गाइस मुझे उसे मारना पड़ेगा वरना वो मुझे मार देगा भाई। वो मेरे ही तरफ आ रहा था भाई, उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार था गाइस, अगर मैं उससे ना मारूं तो वो मुझे मार देगा भाई। एक काम करता हूँ गाइज, अभी जाकर मैं अपने फार्म में देखता हूँ कि वहां पर वो बड़ा सा अंडा है या नहीं। अगर वो अंडा नहीं होगा तो गाइज समझ जाऊंगा कि वो चिकन उसी अंडे के अंदर से बाहर निकला है। तो चलो यार फटाफट हम चलते हैं क्योंकि भाई इधर ही वो चिकन आया था, वो मुझे नहीं देख पाया भाई, मैं फटाक से घर घुस गया इसलिए मैं बच गया। अगर मैं अब की बार मिल गया तो भाई वो मुझे मार देगा, तो उसके पहले ही मुझे कुछ देखना पड़ेगा भाई, कहीं वो उसी अंडा से तो वो चिकन नहीं निकला है। अगर गाइस उसी अंडा से निकला होगा तो भाई समझो कि मैं मुझे उसे मारना पड़ेगा किसी तरह से। चलो यार फटाफट चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर है या नहीं वो। अरे यार गाइस मेरा शक बिल्कुल सही निकला, यहाँ पर वो अंडा है ही नहीं, यानी कि उसी अंडे के अंदर से वो बड़ा सा चिकन निकला है, वो भी खतरनाक चिकन मोस्टर। गाइस यार उसे मुझे किसी तरह से तो मारना पड़ेगा। ये बेचारी मुर्गी को तो देखकर नहीं लग रहा है कि इसने वो अंडा दिया होगा। गाइस यार किस मुर्गी को मैंने उठाकर ले आया भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। यार यहाँ पर इतने सारे घर है, किसी ने कुछ नहीं देखा क्या भाई? सारे घर के दरवाजे बंद है। एक मिनट ये क्या, ये तो ओगी है भाई। ये ओगी हमारे शहर में क्या कर रहा है? इसने जरूर कुछ देखा होगा, एक मिनट इससे बात करता हूँ। अरे ओगी भाई तुमने यहाँ पर कुछ होते हुए देखा था क्या? वहाँ पर मेरा फार्म था, वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा था, उसके अंदर से तुमने एक बड़ा सा चिकन निकलते हुए देखा था क्या? अरे हाँ भैया मैंने उस बड़े से चिकन को उस बड़े से अंडे से निकलते हुए देखा है, वो आपके घर के तरफ गया है भैया, बच के रहना उससे। अरे हाँ हाँ ओगी ये तो मुझे पता है कि वो मेरे घर के तरफ गया है, लेकिन भाई वो बड़े से बड़ा सा अंडा यहाँ पर आया कैसे, तुम्हें कुछ पता था क्या? वो मुझे नहीं लगता कि मेरी मुर्गी ने वो अंडा दिया होगा। अरे भैया आपको नहीं पता है, आपने जिस मुर्गी को लाया है ना वो बहुत खतरनाक मुर्गी है, उसे इसलिए जुरासिक पार्क में पुलिस वालों ने छोड़ दिया था ताकि कोई डायनासोर खा जाए। बहुत पहले भी उसने इतना बड़ा अंडा दिया था जिसके अंदर से सेम टू सेम इतनी बड़ी चिकन निकली थी,
तो भैया उस मुर्गी को जल्दी से मार दो। और एक काम करो, उस बड़े से चिकन को मारना है तो मेरे पास एक आइडिया है। अरे होगी, हाँ हाँ बताओ बताओ कौन सा आइडिया है, मैं जरूर उसे मारूंगा भाई, वो बहुत खतरनाक है। भैया आप उसे मार नहीं सकते, बल्कि आप उसे पकड़ सकते हो। आपको पोकेमोन बॉल चाहिए जिसके अंदर आप उसे कैद कर सकते हो। अच्छा पोकेमोन बॉल, अरे हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं उसे कैसे लाऊंगा पोकेमोन बॉल को? अरे भैया आपके पास एक मशीन है ना, उसमें तीन चीजें डाल दो जिसके बाद पोकेबॉल बन जाएगा। अच्छा कौन सी चीजें? भाई आपको एक पोकेमोन का डॉल चाहिए, पोकेमोन का मास्क और पोकेमोन का रिमोट। तीनों को अगर उस मशीन में डालोगे तो आपके पास आ जाएगा पोकेमोन बॉल। अच्छा ऐसा बात है क्या? ठीक है मैं फटाक फटाक वो चीजें खोजने चलता हूँ, देखता हूँ कि वो सारी चीजें कहाँ पे है। तो गाइज मुझे ओगी ने बताया कि मुझे तीन चीजें चाहिए जिसके बाद मैं पोके बॉल बना सकता हूँ, और उस पोके बॉल में मैं उस बड़े से चिकन को कैद कर सकता हूँ। तो गाइज मुझे पहला चाहिए पोकेमोन डॉल, और दूसरा चाहिए पोकेमोन मास्क, और तीसरा चाहिए गाइज पोकेमोन रिमोट। तीनों को मैं अपनी घर के मशीन में, उस मशीन में डालूंगा तो गाइज वो मुझे निकाल कर दे देगा, बना कर दे देगा एक पोकेमोन बॉल। तो चलो यार पहला पोकेमोन डॉल लेकर आते हैं, जो कि गाइज शोरूम में है, लेकिन गाइज उसके बाहर बहुत सारा पुलिस वाला है, तो उसे मुझे पहले मारना पड़ेगा। तो चलो यार फटाफट चलते हैं गाइज शोरूम में। तो गाइज ये रहा एक पुलिस वाला जिसको मुझे पहले मारना पड़ेगा। भाई एक मिनट इसको मारता हूँ। अबे ये तो मारने लगे, ये ले ये ले। अबे यार गाइज अगर मैं समय पे नहीं मारता तो वरना ये मुझे मार देता। भाई ये देख रहे हो क्या एक खतरनाक पुलिस वाला है। फाइनली गाइज ये मर चुका है। अब देखता हूँ कि और भी पुलिस वाले तो है नहीं। एक मिनट गाइज यहाँ पर, ओह भाई ये रहा एक पुलिस वाला। एक मिनट मारना मत, रुक जा मुझे मारना पड़ेगा। अबे ये ले। ओके भाई फाइनली इसको भी मार दिया गाइज। अब देखना पड़ेगा और पुलिस वाले तो नहीं है कहीं, वैसे मुझे सबको देखकर मारना पड़ेगा। ओके भाई ये रहा एक पुलिस वाला जो कि उधर घुमा हुआ है, इसको मैं हेडशॉट मारता हूँ। ये ले। ओके अबे यार इस पुलिस वाले ने देख लिया। अबे नहीं 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 मत मार। ये ले भाई साहब। अबे ये जिंदा, अबे अभी भी जिंदा, ये मर जा। ओके भाई साहब फाइनली सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया है। अबे कौन मार रहा मुझे? ओ एक मिनट मर चुका गाइस। अब मुझे गाइस दूसरे वाले, अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मास्क है या नहीं। एक मिनट यहाँ पर मुझे डॉल मिलता है कि नहीं। ओके फाइनली तो ये रहा वो डॉल जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। चलो फटाफट इसको कलेक्ट कर लेते हैं भाई। चलो यार गाइस फाइनली मैंने डॉल को तो कलेक्ट कर लिया। अब गाइस मुझे दूसरा चीज चाहिए, पोकेमोन का मास्क, जो कि गाइस मुझे मिलने वाला है इस बिल्डिंग के ऊपर। और गाइज यहाँ पर भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं, तो इसको मुझे मेरे पहले मारना पड़ेगा, तभी गाइज मैं उसे ले सकता हूँ। ये रही बाइक अपनी, अच्छा किया इस बाइक को यहीं पे रखा था, वरना भाई वो पुलिस वाले मेरी बाइक को भी फोड़ देते हैं। चलो यार गाइज मुझे उस बिल्डिंग के ऊपर जाना है जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटीज है गाइज, उसे मुझे पहले मारना पड़ेगा तभी मैं मास्क को ले सकता हूँ। तो गाइज वहां तक तो मुझे जाने के लिए इस रैम से गाड़ी को कूदाना पड़ेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, ये गाड़ी बहुत ही मस्त गाड़ी गाइज, इसको मैंने नया नया खरीदा है, ये गाड़ी तो वहां तक पहुंच जानी चाहिए। अबे ये क्या, मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, रुक जाओ गाइस। चलो भाई अब की बार एकदम सीधा गाड़ी लेकर जाऊंगा, पहुंच जानी चाहिए अब की बार गाड़ी, पहुंच जा। ओके फाइनली गाड़ी यहां तक पहुंच चुकी है, अब चलो भाई ऊपर चलता हूं। एक मिनट गाइस यहां से मुझे एक पुलिस वाला नजर आ रहा है, पहले यार उसको मार देता हूं, वरना वो मुझे यहीं से मारने लगेगा। भाई आगे रुक जाओ, मुझे एक पुलिस वाला दिख रहा है, स्नाइपर से मैं इसको मार देता हूँ गाइज। ये देख सकते हो ये पुलिस वाला है, भाई ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसको हेडशॉट दे देता हूँ। फाइनली मर चुका है ये, और एक बार मार देता हूँ। ओके यार गाइज फाइनली मर चुका है। अब चलो भाई थोड़ा सामने चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर और कितने पुलिस वाले हैं। भाई ज़्यादा पुलिस वाले हुए तो भाई मेरे को लफड़ा हो जाएगा, भाई वो लोग मुझे मारने स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हो भाई एक पुलिस वाले को तो मैंने मार दिया है। भाई साहब यहाँ पर ऊपर बहुत सारे पुलिस वाले, एक काम करता हूँ यहीं पर उतर जाता हूँ गाइजर, वो लोग कभी भी मार सकते हैं मेरे को। एक मिनट उन लोगों को अभी भनक तक नहीं पहुंची कि मैं यहाँ हूँ। एक मिनट ये ले अबे यार अबे नहीं 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 भाई नहीं भाई नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं ऊपर चढ़ता हूँ। एक मिनट ये ले अबे नहीं 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 भाई नहीं 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 ये ले भाई साहब क्या अबे यार ये लोग तो मुझे मार रहे हैं। एक मिनट नीचे चलता हूँ। अबे यार ये लोग तो मुझे मार डालेंगे भाई। एक मिनट यहाँ से छिप के मारता हूँ भाई, यहाँ से छिप के मारता हूँ। भाई साहब ये क्या ही खतरनाक, ये इसको मारता हूँ। ये ले ओके भाई साहब ये तो मर चुका है। अबे यार ये इसको मारता हूँ। ये ले भाई साहब बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर देख सकते हो गाइस। ओके फाइनली एक पुलिस, एक दो दो पुलिस वाला बचा है, पहले इसको मारता हूँ, रुक जाओ। ये ले अबे यार ये लोग मुझे मार देंगे पहले ही। भाई बहुत सारे पुलिस वाले। ओके फाइनली मर गया, इसको मारता हूँ।
ओके गाइस यार, सारे पुलिस वाले मर चुके हैं भाई। तो भाई फाइनली ये रहा वो रिमोट, फाइनली मुझे मिल चुका गाइस। चलो फटाफट इसको कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो चलो यार, फाइनली मैंने रिमोट को तो कलेक्ट कर लिया गाइस। अब मुझे चाहिए आखिरी चीज, वो है गाइस मास्क, जो कि गाइस उस वाले बिल्डिंग के पास है। वो देख सकते हो गाइस सामने वाले बिल्डिंग के पास है, लेकिन गाइस वहां पर बहुत सारी पुलिस वाले हैं। देख सकते हो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 पुलिस वाले हैं। तो गाइस मुझे उसे पहले मारना पड़ेगा, तो चलो भाई उसे मारने के लिए चलते हैं। तो मैं अपनी बाइक को ले लेता हूं गाइस, यहीं पर मेरी बाइक पड़ी हुई है। एक मिनट गाइस, यहां से बहुत सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं मुझे, एक मिनट नजदीक जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो पुलिस वाले कभी भी मुझे मार सकते हैं। एक मिनट, यहां से एक काम करता हूं, दो को लुढ़काता हूं गाइस, क्योंकि भाई वहां सामने जाकर मुझे उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। एक मिनट, ये जूम करता हूं, एक को हेडशॉट मारा। एक मिनट, अबे यार देख लिया, इसको भी मारता हूँ। एक मिनट, इसने भी देख लिया। अबे यार भाई, भाई साहब, तीन पुलिस वालों को तो मैंने लुड़का दिया गाइस। अब देखता हूँ कि और कितने पुलिस वाले वहाँ पे बचे हैं। थोड़ा सा सामने जाता हूँ भाई, यहीं पे अपनी गाड़ी को रोकता हूँ गाइस, क्योंकि भाई वो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एकदम हाई सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले हैं भाई। ये लोग कभी भी किसी को भी मतलब चिंते नहीं, वो मार देते भाई। ये ले, अबे अबे ये ले, अबे यार ये भी मारने लगे। अबे ये मारा नहीं, ये ले, इसको भी हेडशॉट देता हूँ, इसको भी मारता हूँ, इसको भी मारता हूँ लास्ट। रुक जाओ, ये मरा नहीं अभी तक। ये ले, ओके भाई साहब, ये रहा वो मास्क, देख सकते हो भाई क्या ही क्यूट मास्क है। चलो भाई फटाफट इसको भी कलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने घर के मशीन में, और भाई इसको डालते हैं तीनों चीजों को, और देखते हैं कि पॉकेबॉल बनता है कि नहीं। फाइनली गाइस सारी चीजों को मैंने कलेक्ट कर लिया, चलो यार फटाफट चलते हैं घर में, और भाई जल्दी से इन सारी चीजों को उसमें डालते हैं और देखते हैं कि भाई वो पॉकेबॉल मुझे मिलता है कि नहीं। चलो भाई फाइनली घर आ गया, अब देखता हूँ उस मशीन में डालकर पॉकेबॉल बनता कि नहीं। चलो चलते हैं गाइस अंदर। तो गाइस इन तीनों चीजों को मैंने इस मशीन में डाल दिया है, देख सकते हो। अब देखता हूं कि इसमें पॉकेबॉल बनता है कि नहीं। ओ भाई साहब, फाइनली गाइस ये देख सकते हो, ये पॉकेबॉल बन चुका है, जो कि बहुत मस्त पॉकेबॉल है गाइस। इसी में मैं उस चिकन को पकड़ सकता हूं। चलो चलते हैं गाइस उस चिकन को पकड़ने के लिए, देखते हैं वो चिकन कहां पे है भाई अभी। गाइस यार ये रहा वो चिकन जो कि मुझे मारने के लिए आ रहा है भाई। चलो फटाफट पॉकेबॉल फेंकते हैं। ये ले, ओके पकड़ा जा। ओ भाई साहब, फाइनली गाइस पॉकेबॉल के अंदर वो चिकन कैद हो चुका है।